गांव में गोपाल नाम का आदमी रहता था, जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो एक जलपरी है जो ज्यादा देर तक पानी के बिना नहीं रह सकती थी। जी, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मेरी पानी की प्यास भी बढ़ती जा रही है। पहले तो मुझे दिन में सिर्फ एक बार नदी में जाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब तो दिन में बार बार पानी में जाना पड़ रहा है, नहीं तो मेरी सांस फूलने लगती है। मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं समझ सकता हूं राधा, लेकिन अभी इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम भगवान पर विश्वास रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वक्त के साथ साथ राधा की पानी की प्यास बढ़ती जाती है। फिर राधा को बार बार नदी में कूदता देख गाँव की औरतें भी उसके बारे में बातें करने लगती है। अरे रेशमा बहन, तुमने गोपाल की बीवी को देखा? ये दिन में बार बार नदी में डुबकी लगावत है। शर्म नाम की कोनो चीजें नहीं है। इसके अलावा कोई भी औरत यूँ खुले में नदी में डुबकियां नहीं लगाती। पता नहीं इस महारानी को पानी से कितना प्यार है, जब देखो नदी में कूदती रहती है। सही कहती हो बहन, हमें तो दिन में एक बार नहाने में शर्म आती है और ये बेशर्म बार बार नदी में कूदती रहती है। मुझे तो लगता है हमें इसके बारे में सरपंच से बात करनी चाहिए। इसकी वजह से गाँव के सारे मर्द बिगड़ रहे हैं। देखो तो कैसे दिन भर नदी के किनारे बैठे रहते हैं। फिर एक दिन की बात है, रात के समय राधा की सांस फूलने लगती है। अरे नहीं, मुझे अभी पानी के अंदर जाना चाहिए। मुझे अभी पानी के अंदर जाना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रात भी बहुत हो रही है, क्या करूं? इन्हें उठाना सही नहीं होगा, मुझे खुद ही जाना होगा। फिर राधा भागती हुई घर से जाती है और सीधा नदी में कूद जाती है। अरे बाबा, देखो भाई आ गई राधा, हमें इसी का तो इंतजार था। अरे बाबा बाबा बाबा, अब मजा आएगा, अब जी भर के से निहारेंगे। फिर जैसे ही राधा पानी से बाहर निकलती है तो वो उसे छेड़ने लगते हैं। अरे क्या बात है मेरी रानी, इतनी रात में भी नदी में डुबकी लगा रही हो? क्या बात है, चलो हम सब साथ मिलकर नदी में डुबकी लगाते हैं। फिर एक मन चला राधा का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अरे आना, अब क्या हो गया, वैसे तो पूरा दिन नदी में डुबकी लगाती रहती हो, आज हमारे साथ भी एक डुबकी लगा लो। छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़, वरना ठीक नहीं होगा, छोड़। आज तो हम दोनों तेरे साथ पानी में डुबकी लगा कर ही रहेंगे। फिर वो दोनों राधा को जबरदस्ती उठा लेते हैं और उसके साथ नदी में कूद जाते हैं। ये सारा मंजर एक गांव वाला दूर छिपा हुआ देख रहा होता है। अरे बाबा राजेश भाई, आज तो मजा ही आ गया। बाबा वाह, अरे मेरी रानी घबराओ नहीं, तुम भी हमारे साथ मजे करो। आओ। तभी राधा पानी के अंदर चली जाती है। अरे भाई ये कहाँ चली गई? कहीं डूब तो नहीं गई? अब क्या करें? अरे मरने दो ना, हमें क्या, वैसे भी पूरा दिन नदी में डुबकी लगाती रहती है ये। अगर किसी को इसकी लाश मिली भी तो हमारे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा, खुद ही डूब कर मर गई होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं, कहीं कोई हमें देख ना ले। फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, राधा जलपरी बनकर वहाँ आ जाती है और पानी के नीचे से उन दोनों की टांग पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, ये कौन कमबख्त मारा है जिसने मेरी टांग पकड़ ली है? अरे भाई मुझे भी कोई टांग पकड़ कर नीचे खींच रहा है। अरे मर गया रे, अरे भाई कोई है, हमारी मदद करो, अरे भाई बचाओ हमें। आई मम्मी, मर गया, आज तो मर गया रे, आज डुबकी लगाना महंगा पड़ गया रे। अरे मर गया रे। फिर राधा उन दोनों को पानी के नीचे खींच लेती है। वहाँ वो दोनों राधा को जलपरी के रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर राधा उन्हें नदी की गहराइयों में ले जाती है और मार डालती है और खुद पानी के बाहर आ जाती है और अपने घर की ओर चली जाती है। अरे ये क्या, ये राधा तो नदी से बाहर आ गई, लेकिन वो दोनों अभी तक बाहर क्यों नहीं आए?
कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो गांव वाला नदी के पास जाता है और उन दोनों मनचलों को पुकारने लगता है। अरे भाई तुम कहाँ हो? तुम दोनों ठीक तो हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? वो गांव वाला बहुत देर तक उन्हें पुकारता है लेकिन नदी में कोई हलचल नहीं होती। फिर डर के मारे वो भी वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन उन दोनों मनचलों की लाश नदी में तैरती हुई मिलती है। सब गांव वाले उन दो लाशों को देखकर डर जाते हैं। अरे भाई ये दोनों तो हट्टे कट्टे जवान थे, भला इन्हें किसने मारा होगा? पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गोपाल भी वही होता है, वो भी उन गांव वालों की बातें सुन रहा होता है। गोपाल भी उन दोनों को मरा हुआ देखकर डर जाता है। फिर वो घर की ओर जाता है। अरे राधा तुम्हें पता है नदी में दो आदमियों की लाश तैरती हुई मिली है, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? मुझे नहीं पता। अब तुम्हारा भी बार बार नदी में जाना ठीक नहीं है, हमें कोई और उपाय करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सब गांव वाले उन आदमी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी वो गांव वाला सबको बताता है। आयो मैंने अपनी आंखों से देखा था, उन दोनों आदमियों ने राधा को उठा रखा था और उसके साथ नदी में कूदे थे, लेकिन कुछ देर के बाद सिर्फ राधा ही पानी से बाहर निकली थी और अगले दिन उन दोनों की लाश हमें मिली है। इसका मतलब तो सीधा सा है भाई, राधा ने ही उन दोनों को डुबो कर मारा है। मुझे तो पहले से ही ये राधा कुछ ठीक नहीं लगती है, दिन रात नदी में डुबकी लगाती है। भला आधी रात को कोई नदी में जाता है भला? है बोलो बोलो। हाँ हाँ तुम ठीक कहते हो, ये राधा का ही काम है। मुझे तो लगता है ये राधा कोई साधारण औरत नहीं है, इसके ऊपर जरूर किसी चुड़ैल का साया है। जब आधी रात को किसी औरत की घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती, उस वक्त ये नदी में डुबकियां लगा रही होती है। तुम ही बताओ भाई ऐसा कौन करता है, है? फिर सभी गांव वाले हाथों में मशाले लेकर गोपाल के घर की ओर निकल पड़ते हैं। मारो मारो, आज इस राधा को जिंदा नहीं छोड़ना है, ये एक चुड़ैल है, इसी ने उन दोनों लड़कों को मारा है। मारो मारो, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राधा अभी तो इस सच्चाई का पता चल गया है, तूने ही उन दोनों को मारा है, बाहर निकल। अरे नहीं, ये गांव वाले तो तुम्हारे खून के प्यासे हो गए हैं, अब क्या करें? अब घबराइए नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, चलिए मेरे साथ। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। ए राधा तुमने ही उन दोनों को मारा है, हीरा ने अपनी आँखों से देखा है। हाँ। देखिए सरपंच जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो दोनों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, उन दोनों ने मुझे जबरदस्ती नदी में धक्का दिया था, मैं तो तैर कर ऊपर आ गई लेकिन वो दोनों वही नदी में डूब गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या तुमने उन दोनों को राधा के साथ बदतमीजी करते हुए देखा था? हाँ सरपंच जी ये सही कह रही है, वो दोनों इसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। फिर तो इसमें राधा की कोई गलती नहीं है, उन दोनों ने खुद अपनी मौत चुनी है। ठीक है राधा, हम मान लेते हैं तुमने उन दोनों को नहीं मारा, लेकिन तुम्हारी वजह से ही उनकी मौत हुई है। तुम्हें आधी रात को नदी में नहीं जाना चाहिए था, आज के बाद तुम नदी के अंदर नहीं जाओगी। फिर इतना बोलकर वो सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं। ठीक तो हो ना राधा, तुम डरो नहीं, तुमने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, मैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जी लेकिन अब मैं नदी में नहीं जा पाऊंगी, अब क्या होगा, मैं ज्यादा देर तक पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। तुम डरो नहीं, मैं कुछ ना कुछ उपाय निकालता हूँ। फिर गोपाल एक शीशे का हेलमेट बनवाता है जिसके अंदर पानी भरा जा सके। ये देखो राधा मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम इसे पहन लो। फिर राधा उस शीशे के हेलमेट को पहन लेती है और गोपाल उस हेलमेट के ऊपर से उसमें पानी भर देता है। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, मैं अब बहुत अच्छे से सांस ले पा रही हूँ, ये तो आपने कमाल ही कर दिया। देखा मेरा कमाल, अब तुम हर वक्त अच्छे से सांस ले सकती हो। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा को नदी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती।